हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि वाइपर कंट्रोलर क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा काम क्यों करता है। ठीक है, वाइपर कंट्रोलर को आज हम फुल पूरा उसका जो जितना सिस्टम है ना, वो सारा सिस्टम समझ, मतलब इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और वाइपर कंट्रोलर को लेकर के आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी वाइपर कंट्रोलर, खैर अभी जो मैं BS4 जो 25-18, 31-18, 37-18, 40-18 ये सब गाड़ियों में जो आ रहा है वाइपर कंट्रोलर, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा तो 6 पिन होता है। पिन देखिए, एक ऐसे होगा और एक दो ऐसा होता है, ठीक है, और फिर एक यहाँ होगा और एक छोटा सा पिन होता है यहाँ पे। ओके, ये होता है वाइपर कंट्रोलर में 6 पिन होता है, ये हो गया उसका 6 पिन। और इस पर नंबर भी लिखा होता है, जैसे देखिए लिखा होगा A और मिडिल में होता है D और यहाँ होता है C और एक तरफ होता है B और एक तरफ E, और E के जो पास एक छोटा सा पिन होगा, पतला पिन होता है। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा पिन होता है ये सारा पिन, लेकिन ये जो पिन है ये थोड़ा पतला होता है। तो इस पर 2 नंबर लिखा होता है, मतलब एक ही नंबर लिखा होता है लेकिन 2 किस्म का। जो आप वाइपर कंट्रोलर लीजिएगा तो किसी पे देखिएगा तो F लिखा होगा और किसी पे J लिखा होता है। ठीक है, मैंने 2 किस्म का वाइपर कंट्रोलर देखा हूँ, एक ही उसमें भी 6 पिन ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक में F लिखा होता है और किसी में J। ठीक है, तो ये हो गया वाइपर कंट्रोलर। लेकिन आप ऐसे देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये पिन क्या है, किसमें मेन आएगा, किसमें ग्राउंड आएगा, ये कैसे काम करता है, ये तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, कौन पिन किस पिन को करंट देता है और किसमें करंट आता है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं जो इसमें दिखेगा कि अंदर में क्या क्या चीज है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हो गया एक वाइपर कंट्रोलर। ठीक है, वाइपर कंट्रोलर और फ्लासर में फर्क होता है, ठीक है, लेकिन साइज एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाइपर कंट्रोलर का, समझिए एक डब्बा, अब इसमें सामान लगेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पिन लगा दिया। ओके, ये हो गया एक पिन, ये पिन नंबर A है। ओके, पिन नंबर A, और ये जो पिन नंबर A है ये हमेशा पकड़े रहता है पिन नंबर C को। ठीक है, ये हो गया पिन नंबर C, ये एक पिन हो गया पिन नंबर C और ये एक पिन हो गया पिन नंबर A। पिन नंबर A और पिन नंबर C आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जब करंट आता है तब जो है A पिन C को छोड़ करके B को पकड़ लेता है, तो पिन नंबर B जो है, पिन नंबर B यहाँ होता है। ओके, ये हो गया पिन नंबर B, यहाँ पे लिख देता हूँ पिन नंबर B। ओके, ये हो गया 3 पिन, C, B और यहाँ पे A। ओके, और 3 पिन लगा होता है एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर होता है वाइपर कंट्रोलर के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब ये सारा कुछ इसके माइंड में रहता है, समझ जाइए कि ये एक माइंड है। ओके, वाइपर कंट्रोलर का मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक कंट्रोलर। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, और इलेक्ट्रिक कंट्रोलर में लगा होता है 3 पिन, ये एक पिन हो गया और 2 पिन यहाँ रहता है। ठीक है, तो इसमें का जो आप देख रहे हैं ना D, ठीक है, D पिन, E पिन और C पिन, यही तीनों पिन ये तीन है। ठीक है, तो ये जो E लिखा हुआ है, देखिए ये जो E लिखा हुआ है ना, ये हो गया ये, ठीक है, इसमें अर्थ रहता है ग्राउंड। ओके, और रह गया यहाँ पे 2 पिन, तो एक हो जाएगा, ये हो गया F और ये हो गया D। ओके, तो ये हो गया D, E और C, D, E और F। ओके, D, E और F, ये तीनों पिन इलेक्ट्रिक कंट्रोलर का है। ओके, इसी में करंट आता है, इसमें करंट नहीं आता है, मतलब यही काम करता है, ये जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यही काम करता है, तो वाइपर कंट्रोलर काम करता है। अब देखिए, अब इसका जो सिस्टम है काम करने का वो हम देखते हैं। तो बी पिन में क्या करता है, जो गाड़ी में क्या किया है, बी पिन में इग्निशियन स्विच का पॉजिटिव इसमें दे दिया है। देखिएगा 10 एम्पियर का एक फ्यूज होता है जिसमें लिखा होता है वाइपर। ठीक है, वाइपर का फ्यूज होता है 10 एम्पियर, ये इग्निशियन स्विच से लेकर के यहाँ पे आ गया और बी में लग गया। ओके, अब बी में करंट है और ई में इधर ग्राउंड दे दिया। ओके,
अब क्या करेगा, कॉम्बिनेशन स्विच से, देखिए कॉम्बिनेशन स्विच जैसे ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन स्विच, ओके। कॉम्बिनेशन स्विच में ये जो है ये लीवर, ये है वाइपर के लिए, ओके। तो इसमें क्या सिस्टम है कि ये तीन हिस्सा में चलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्विच को तीन घाट से चलाया जाता है वाइपर को। एक घाट मतलब पहला स्टेप में कीजिएगा तो वाइपर अपने आप चलेगा फिर रुकेगा, फिर अपने आप चलेगा फिर रुकेगा। जैसे आप एक घाट पे ऑन करके छोड़ दिए आधा घंटा तक, तो वो क्या होगा, वो चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद से फिर चलेगा। वो टाइमिंग इस कंट्रोलर में सेट होता है, ठीक है, कितना देर के बाद से चलता है वो चीज़ इसमें सेट रहता है पहले से। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप ये इलेक्ट्रिक कंट्रोलर से इससे कोई उसका संबंध नहीं है वाइपर कंट्रोलर से, दूसरा स्टेप और तीसरा में, क्योंकि वो जाता है डायरेक्ट ये जो वाइपर का रिले होता है 5 पिन रिले दिया हुआ है दो ग्रीन कलर का, उसी से वो काम करता है, ओके। तो ये जो है देखिए, अब पहला घाट आप दिए हैं कॉम्बिनेशन स्विच से, तो आता है डी में करंट, ठीक है, जो डी पिन है इसमें करंट आता है वाइपर से, ठीक है, वाइपर ये सॉरी कॉम्बिनेशन स्विच से, ओके। तो कॉम्बिनेशन स्विच से जैसे ही डी में करंट आया तो ये इलेक्ट्रिक कंट्रोलर के पास पहले से ग्राउंड है। ये क्या किया, ये इसमें ये कॉयल एक होता है यहाँ पे, जो कॉयल में जैसे ही करंट जाता है तो क्या करता है, कॉयल इस पिन को खींच करके इस पिन से टच कर देता है। जैसे अब जैसे ही आप करंट दिए तो ये जो है ये कॉयल ये खींचा इसको और खींच करके इसमें मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो ये तो पहले से इसमें मेन है, इसमें तो पहले से वाइपर का मेन है इग्निशन स्विच का, वाइपर जो फ्यूज है उसे होकर के आ रहा है और ये करंट चला गया यहाँ पे, ठीक है, और ये डायरेक्ट चला गया है रिले में और रिले से चला गया है वाइपर का जो मोटर है उसमें, ओके। तो ये हो गया एक घाट, मतलब इलेक्ट्रिक कंट्रोलर का एक सिस्टम, और आ गया ये एफ, और एफ पिन जो है ये है छोटा वाला पिन, पतला जो पिन होता है वो है एफ। अब इसमें क्या सिस्टम है कि देखिएगा कि वाइपर का जो लीवर होता है उसको ऊपर उठाने से वाशर जो है वो ऑन हो जाता है, वाशर, ठीक है। वाशर और ऑन होने से जो ग्लास है सामने फ्रंट का जो शीशा है उस पर पानी आता है और हमारा ऑटोमेटिक वाइपर चलने लगता है। जैसे आप उठा करके रखें इस लीवर को, थोड़ा सा उठा दिए, उठा करके रखें, जब तक आप उठा करके रखते हैं तब तक पानी जो है शीशा पे आता है। जब तक आप उठा के रखिएगा तो पानी शीशा पर आता है, छोड़ देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक वाइपर चलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या सिस्टम है, देखिए इधर से आप जैसे ही उठाएं तो एक वायर से करंट गया जो वाटर का एक छोटा सा वाटर का पंप, वाटर का एक बोतल दिया हुआ है उसमें एक मशीन लगा हुआ है, उस मशीन में करंट गया, वो मशीन पानी को खींच करके शीशा पे ला रहा है, ठीक है, और उसी वायर से एक टच करके ला दिया है इस पिन में, ठीक है। तो उधर गया तो वाइपर जो वाटर है उसको सप्लाई किया शीशा पे, और इधर आया तो इस कंट्रोलर में करंट आया। अब इफ पिन में करंट आने से ये कंट्रोलर क्या करता है, देखता है पहले कि करंट कब तक रुक रहा है, ठीक है। जैसे 1 मिनट तक करंट इसमें है, ओके, तो 1 मिनट के बाद से आप छोड़ दिए, पानी आना बंद हो गया और ऑटोमेटिक वाइपर चलना शुरू हो गया। तो 1 मिनट इसमें करंट आने से ये क्या करेगा, ये इसको एक बार ले आकर के नीचे में सटाएगा, ये यानी यहाँ पे जो कॉयल है उसमें करंट देगा और ये खींच करके इस पिन में सटाएगा और यहाँ से वाइपर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर वाइपर बंद हो जाएगा, फिर अपने आप इसको सटाएगा और फिर वाइपर एक बार चलाएगा। मतलब ऐसा 2-3 बार करेगा क्योंकि आप ज़्यादा देर तक वाशर को ऑन किए हैं, ओके। अगर एक बार आप थोड़ा सा उठा कर रखते हैं और पानी आता है उसके बाद से ये एक ही बार चलेगा। इसमें टाइमिंग सब सेट रहता है ये इलेक्ट्रिक कंट्रोलर में, इसी का सब खेल है इलेक्ट्रिक कंट्रोलर का, ठीक है। ये वाइपर कंट्रोलर में और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है जिसमें करंट आने से एक पिन को दूसरे पिन से ये वाइपर कंट्रोलर टच कर देता है। तो इस पिन में अगर करंट रहेगा और ये पिन से टच हो रहा है तो ये पिन में करंट आ जाएगा तो ये चला जाएगा डायरेक्ट मोटर में, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है वाइपर कंट्रोलर का। खैर कोई भी वायर इसमें, जैसे ये वायर जो मोटर में जा रहा है वो डायरेक्ट मोटर में नहीं जाता है, वो जाता है रिले से होकर के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाइपर कंट्रोलर कैसे काम करता है, ओके। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए, जैसे इसमें क्या होता है, दो रिले होता है, जो ग्रीन कलर का रिले होता है 5 पिन का, वो
दो रिले होता है वाइपर का, और एक ऑन ऑफ का और एक हाई लो का, ओके। और एक वाइपर कंट्रोलर होता है, एक कॉम्बिनेशन स्विच होगा, ये सारा कुछ मिला करके एक सर्किट तैयार हो जाएगा वाइपर का पूरा फुल वायरिंग हार्नेस का। तो अब अगर आप कहिएगा तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वाइपर के टोटल वायरिंग के बारे में, BS4 गाड़ी में जो सिस्टम है उसका।